लक्षिता मैं लक्षिता का कैमरा ऑन है। अब हुआ है। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा ज्वाइन है ना क्लास में। हाँ ज्वाइन तो है ही। ये सर्टेन लाइंस बोलेंगे सभी पहले। होगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? ज्वाइन हो जाना, ओके? बोल देंगे आपको। रोज होती है आपकी क्लास मैथ्स की? क्लास मैम लास्ट को होती है, प्रेरणा मैम लेती है। तो फिर क्या है, क्यों पूछ रहे हो? यस अटेंडेंस बोलेंगे। इशिका प्रेजेंट मैम। दीपक प्रेजेंट मैम। जय प्रेजेंट मैम। लक्षिता प्रेजेंट मैम। कृष्णा प्रेजेंट मैम। अनन्या प्रेजेंट मैम। पलक पलक आज एब्सेंट है। पुष्पेंद्र ये शिशि का बोलो क्या हुआ? सर मेरे 8 पेज मिसप्रिंट है। 8 पेज मिसप्रिंट है आपके? इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे आपके, ओके? अभी नो मैम, मेरे पास एक दूसरी बुक है। क्या है? यस, पहले इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। जलना का भी जल विहारम कुर्वन्ती, जना लोग हैं वो जल को जो समुद्र है उसको पार कैसे करते हैं, कौन से वाहन से? नौका भी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ती। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कह? पेज नंबर 37 क्वेश्चन आंसर है ना बेटा समुद्र तट के। भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगर का मेरीना तट है ना, वो सब भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो हम कैसे लिखेंगे? चेन्नई नगरस्य मेरीना तट भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। जनाः कुत्र स्वरेह स्वरम विरहन्ति? लोग है सबसे ज्यादा कौन से तट पर घूमने जाते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे जना स्वेरम विरहन्ति। बालका बालुका भी की रचयन्ति? बालक बालिकाएं किसकी रचना कर रहे थे, ये तो सबको पता है। ये सनन्या बोलो मैम। हनुमान जी ने सीता के लिए राम राम पत्र लिख के गए। ये सनन्या कौन बताएगा? बालक बालिका किसकी रचना कर रहे थे, क्या बना रहे थे बीच के बीच में? मैम घर। मैम घर बालू का। मैम घर घर मिट्टी से क्या बना रहे थे? बालू का रचयंती मिट्टी से घर बना रहे थे। कोची तट के भी जायते? कोची तट है ना, वहां पर क्या क्या मिलता था? वहां पे कौन सी चीज ज्यादा प्रसिद्ध थी? नारिकेल, नारियल है वो, नारियल के फल ज्यादा वहां पर
मिलते थे। यस मैम। पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत मंजुषा में आपको ये हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं शब्द, तो वो देखकर आपको पूर्ण करना है। कन्याकुमारी तते त्रयाणाम सागराणाम संगम भवती। कन्याकुमारी में तीनों का संगम होता है, तीनों सागर का। भारत देश प्राय द्वीप इति कथ्यते। यहाँ पे आ जाएगा भारत देश को प्राय द्वीप भी कहते हैं, तो यहाँ पे प्राय द्वीप आ जाएगा। जनाः समुद्र तट पर्यटनया आगच्छन्ति। जनाः लोग हैं वो समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्यटनाय। बालेभ्य खाली जगह रोचते। बालिकाएं हैं वो किसकी रचना कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। भारतस्य पूर्व दिशायां, कौन सा है बताओ, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर स्थित है, कौन बताएगा? मुंबई। क्या, कौन मुंबई सा सागर? हमारा नहीं है, देखो कौन सा है सागर, बंगो सागर, मतलब बंगाल की खाड़ी स्थित बंगाल की खाड़ी। यस। नेक्स्ट है यथा योग्यम योजयत। यथा योग्य के अनुसार हमें क्या करना है, मिलान करना है कि किसके साथ क्या क्या। समुद्र तट है तो समुद्र तट का हो जाएगा पर्यटनाय, समुद्र तट पर लोग घूमने जाते हैं। क्रीडन कमा मतलब खेलना, तो ये हो जाएगा खेलनाय। फिर दुग्धम पोषणाय, दुग्धम पीने का पोषक तत्व है तो ये पोषणाय में आ जाएगा। दीपक आएगा। यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। दीपक प्रकाश देता है तो ये किसमें आ जाएगा, दीपक प्रकाशाय। विद्या, विद्या एक प्राप्त करण ज्ञान है तो विद्या आ जाएगा ज्ञानाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानानि करने। हाँ, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिका साथ में पढ़ रहे हैं। तड़ागः कमलेह विभति। तड़ागः मतलब तालाब, तालाब में कमल के फूल विभाति मतलब उगते हैं, उसमें होते हैं। अहम अपि कंदुकेन खेला भी, मैं भी गेंद से खेलूंगा। अश्वेह सह धावंती, अश्वे साथ में दौड़ रहे हैं। मृगाः मृगे सह चरंती, मृग हिरण है वो एक साथ चर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यतः उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गते शब्दे उचित वाक्यानि रोच रचयत। उचित वाक्यों का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, वाक्य की रचना करनी है। जैसे रहीम मित्रेण सह क्रीडन्ति, क्रीडति, रहीम है वो अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये क्रीडति, ये रहीम नाम दिया हुआ है तो उसमें किसका, मित्रे सह क्रीडति, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हो गया। सेकेंड में आपके ये रहा, देखो रहीम कमलेन द्विचक्री, कमलेन पत्रम लिखती, रहीम है वो अपने, सॉरी ये रहा रहीम द्विचक्रिकाया आपणम गच्छन्ती, रहीम है वो द्विचक्रिका मतलब साइकिल पर जा रहा है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, रहीम कमलेन पत्रम लिखती, रहीम है वो कमल से मतलब पेन से पत्र लिख रहा है। फिर फोर्थ ये रहा, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षीपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंक रहा है। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम है नौका से, नाव से जल को पार कर रहा है। सिक्स्थ आ जाएगा इधर, रहीम
चशकैन जलम पीबती, रहीम ग्लास से पानी पी रहा है। रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम है वो तुलिका तीलियों से क्या कर रहा है, चित्र की रचना कर रहा है। रहीम वायुयानेन हयम आगच्छत, रहीम वायुयान से मतलब एरोप्लेन से आ रहा है। एक क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकता उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। धनिक निर्धनाय धनम ददाति, बालः पठनाय विद्यालय गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना परोपकार, धनिक को निर्धनाय धनम ददाति, धनिक है जो धनी इंसान है, अमीर इंसान है, वो निर्धन को क्या करता है, धनम ददाति धन देता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन लोग है वो दूसरों पर उपकार करते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छन्ति, छात्रेभ्य प्रधानाचार्य है वो छात्रों के साथ बैठकर पारितोषिक यच्छति। शिक्षकाय नामः, शिक्षकाय नामः, शिक्षक का शिक्षिकाय नमः, शिक्षिका को नमन नमस्कार करना। नेक्स्ट है अपना चैप्टर बालकस्य प्रतिकारः, सेवेंथ चैप्टर ओपन हो गया सबके। मैं मेरा कब का ओपन ही था, ये देखो मैम अपनों का। मैंने कि लोमड़ी के बारे में ना, यस बकस्य प्रतिकार, बगुला है और लोमड़ी है, तो बगुले का प्रतिकार मतलब बदला, बगुला है वो लोमड़ी से क्या कर रहा है, अपना बदला ले रहा है। एकस्मिन वने श्रृंगालः बक च निवसतः स्म, एक गांव में एक वन में श्रृंगालः, श्रृंगाल किसको बोला गया, लोमड़ी, और बक बगुला च निवसत स्म, दोनों रहते थे। तयो मित्रता आशित, इन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम अवदत, एक दिन श्रृंगाल ने मतलब सियार बगुले ने लोमड़ी ने बगुले से कहा, अवदत मतलब कहना, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरुतः, वो कहता है सवेरे सियार ने बोला बगुले से कि तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना, उसने खाने पर इनवाइट किया। श्रृंगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत, श्रृंगाल ने जब ये निमंत्रण दिया, उसको इनवाइट किया खाने पर, तो बहुत खुश हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत, अगले ही दिन वो भोजन के लिए श्रृंगाल के घर पर चला गया। कुटिल स्वभावः श्रृंगाल स्थाल्यां बकाय बकाय शिरोदनम अयच्छत, कुटिल स्वभाव का, बुरे स्वभाव का जो श्रृंगाल था, शियार था, वो थाली के अंदर बगुले के लिए खीर, शिरोदनम मतलब खीर लेकर आया। बकम अवदत, बगुला कहता है च मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहेव खादाव, अब वो क्या कहता है बकम को, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। ये शियार किससे कहता है, बगुले को कहता है हम दोनों इस थाली में साथ में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, अब उसकी तो बगुले की तो चौंच है, वो खाना खाने में असमर्थ था, वो थाली में खाना नहीं खा सकता था। यस अतः बक केवलम शिरोदनम अपश्यत, अतः बगुले ने ओनली फॉर खीर को क्या किया, देखता रहा, वो खाने के लिए असमर्थ था। श्रृंगालः तु सर्वं शिरोदनम अभक्षयत, श्रृंगाल ने उसको एक भी दाना खीर का नहीं दिया। श्रृंगालेन वंचितः बक अचिंतयत, शियार के द्वारा ठगे जाने पर, धोखा देने पर वो बक है वो बहुत उदास हो गया, सोचने लगा यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृत, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा बिहेव किया कि इसने मुझे एक भी दाना खीर का नहीं खिलाया। इसको पता है भाई मैं थाली में नहीं खा सकता, तो ये मेरे लिए अच्छा सा दूसरा बर्तन लेके आ सकता था, लेकिन इसने मुझे थाली में डाला और मैं इसका मुंह देखता रहा, तो उसको बहुत गुस्सा आया।
तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, मैं भी ऐसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। वो ऐसा सोच कर चला जाता है। एव चिंतयित्वा स शृंगालम अवदत्, ऐसा सोचकर सियार से कहा, मित्र दोस्त, तम अपि स सायं सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल। अब वो सियार से क्या कहता है बगुला, कि तुम भी कल मेरे घर पर खाने पर आना। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगाल प्रसन्न अभवत्। अब जब बगुले ने उसको बुलाया, इनवाइट किया, तो सियार है, लोमड़ी है, वो भी बहुत खुश हुई। यदा श्रृंगाल सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, और शाम को ही बगुले के घर पर खाना खाने के लिए चली गई। तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे शीरोदनम अयच्छत, और फिर उसने संकीर्ण मुख का कलश, मतलब ऐसा ये कलश दिख रहा है ये जिसमें इसकी चोंच डाली हुई है, तो इसमें खाना, तो वो भी क्या करने लगी कि संकीर्ण मुख वाले, छोटे मुंह वाले कलश में खीर लेकर आई। फिर श्रृंगाल च अवदत, फिर उसने भी क्या बोला, हम श्रृंगाल ने कहा, मित्र आवा इन पात्र सहैव भोजन करूंगा, इस थाली में, इस बर्तन में, इस कलश में हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। बकह कलशात चंचवा शीरोदनम अखादत, बकह बगुला तो कलश के अंदर चौंच डालकर खीर खाने लगा, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन श्रृंगाल शियार का मुख है वो इस कलश में नहीं आ सकता था, नहीं जा सका। अतः बक सर्व शिरोदनम अखाद, और इसलिए बगुला है वो सारी खीर खा गया। श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और शियार है वो केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगाल बक प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपि श्रृंगाल प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारं अकरोत, किया तभी बगुले ने भी सियार के साथ ऐसा ही व्यवहार करके बदला लिया। समझ में आया चैप्टर? उक्तम अपि, और ये कहा गया भी है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम् मानवेन सुखेशिना, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे, हमेशा तस्मात् सद्व्यवहारम्, अच्छे व्यवहार से मानव सुखेशिना सुखी रह सकता है, और अपने बुरे बर्ताव से वह दुखी रहता है, और दूसरों को भी दुख देता है, और खुद को भी फिर दुखी मिलता है। अंडरस्टैंड? मैम आज आप सप्ताह भेजोगे क्या? ये सप्ताह मैं तो नहीं पाऊंगी मैम, मेरी बुआ वगैरह आएगी तो मैं बाहर जाऊंगी। बाद में कर लेना वर्क, तो बेटा भेजूंगी, ठीक है? मैं कॉल कर दूंगी टाइम होगा तो। ओके, और काम सबका कंप्लीट होना चाहिए, मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी। ओके, यस मैम। मैम हैप्पी राखी इन एडवांस। सेम टू यू, हैप्पी राखी मैम, हैप्पी रक्षाबंधन मैम, हैप्पी रक्षाबंधन मैम। अभी 2 मिनट्स है। बाय मैम, बाय मैम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय मैम, यस बाय बेटा।